बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने काम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने देश के मुसलमानों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कुछ ऐसा बोल दिया जिसे देखने वाले हैरान भी हो रहे हैं और कुछ डीजीपी साहब के भाईचारे पर दिए गए इस बयान की तारीफ भी कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ईद उल जोहा का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाही, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया, छुरी चली। लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है। खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजहती बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजहती को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने, सावन के महीने में करोड़ों लोग, हिंदू भाई, मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते नहीं निकले, रामनवमी का जुलूस नहीं निकला। अरे, अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी। कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सकें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।